खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। रांची में महिला सुरक्षा के दावों का रियलिटी चेक करने पहुंची एबीपी न्यूज संवाददाता कुमकुम। झारखंड की राजधानी में कुछ दिनों पहले ही एक लड़की से दरिंदगी हुई थी। इस दर्दनाक कांड के बाद भी क्या रांची की परिस्थितियां बदली हैं या फिर सूरत हाल बद से बदतर हो गया है? एबीपी न्यूज संवाददाता ने क्या महसूस किया, देखिए आप भी। सवाल, क्या रांची में लड़की के साथ दरिंदगी के बाद सूरत बदली? क्या भाई साहब, क्या चाहिए? एबीपी न्यूज का काफिला अब झारखंड की राजधानी रांची पहुंच चुका है, जहां संवाददाता कुमकुम बिनवाल महिला सुरक्षा के लिए किए जा रहे इंतजामों की जमीनी हकीकत टटोल रही है। मेरे जिस्म के चीखड़ों पर लहू की नदी तूने बहाई थी, तुझे याद है मैं कितना चीखी चिल्लाई थी? बदहवास थी, बेसुध थी, दर्द से तार तार थी मैं। क्या लड़की हूँ इसीलिए गुनहगार थी मैं? एबीपी न्यूज के ऑपरेशन बेटी बचाओ के तहत आज हम आ गए हैं झारखंड में, वही झारखंड जो इन दिनों अपनी नई सरकार चुन रहा है। उसी झारखंड के रांची में मैं हूँ, जहाँ चंद रोज पहले एक लॉ स्टूडेंट के साथ गैंगरेप किया गया, जब वो रात के 8 बजे बस स्टैंड पर अपने दोस्त के साथ बैठी थी। ये सब कुछ उसके साथ गन पॉइंट पर किया गया। तो क्या हैदराबाद से लेकर रांची तक ये घटनाएं होती रहेंगी और हमारी न्याय व्यवस्था, पुलिसिंग, हमारे समाज और हमारी पूरी सोच और सिस्टम में कोई फर्क नहीं आएगा, या फिर वाकई जमीन में भीतर से फर्क आ रहा है? जमीन पे क्या हालात हैं और रांची की लड़कियां रात के अंधेरे में क्या क्या महसूस करती हैं, आज मैं अपने खुफिया कैमरे और इस खुफिया माइक के जरिए आपके सामने एबीपी न्यूज के ऑपरेशन बेटी बचाओ के तहत रखूंगी। हमारी कोशिश होगी कि रांची की हर सड़क का जायजा हम लें और ये जाने कि रात के अंधेरे में रांची बेटियों के लिए कितना सुरक्षित है। वक्त रात 8 बजे रांची के मेन चौक से शुरुआत की है, एक ऐसा राज्य जहां 12 तारीख को मतदान होना है और हफ्ते पहले गैंगरेप हुआ है, वहां महिला सुरक्षा का रियलिटी चेक। यहां पहुंची एबीपी न्यूज संवाददाता जमीनी हकीकत को अकेले ही टटोलेंगे, लेकिन इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए उनके साथ एबीपी न्यूज की टीम मौजूद रहेगी। अमूमन एक रिपोर्टर को माइक अपने हाथ में रखना होता है, लेकिन आज ये माइक मैं अपने साथ नहीं रखूंगी। इसके अलावा एक खुफिया माइक अपने पास में रखूंगी और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे दो सहयोगी मेरे साथ हैं और इसके साथ साथ मेरे कैमरा पर्सन भी मेरे साथ हैं, यानी कि तीन लोगों की टीम मेरे साथ लगातार मुझ पर नजर बनाए रखेगी। कुछ कदमों की दूरी पर ये तीनों लोग गाड़ी में मेरे साथ मौजूद होंगे और मैं अकेली भले ही सड़क में होंगी, लेकिन अगर इनको हल्का सा भी ऐसा अंदेशा होगा कि मेरी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो सकता है या मेरी सुरक्षा में चूक हो सकती है, तो तुरंत ये गाड़ी से निकलकर मेरी मदद के लिए आ जाएंगे। ये बताना इसलिए जरूरी है कि एक मीडिया संस्थान के तौर पर एबीपी न्यूज ना सिर्फ आपके सामने पूरी तत्परता के साथ खबर रखता है, बल्कि अपनी महिला कर्मचारियों की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और रांची की सड़कों का जायजा लेते हैं। रांची में महिला सुरक्षा का रियलिटी चेक करने के लिए एबीपी न्यूज की टीम उस जगह पहुंची, जहां पर कुछ ही दिनों पहले ही एक लड़की के साथ कुछ दरिंदों ने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया था। इस जगह पर इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी केवल बद इंतजामी का ही मंजर नजर आया। तो झारखंड की राजधानी रांची के ऑपरेशन बेटी बचाओ की शुरुआत मैंने उस संग्रामपुर के बस स्टैंड से की, जहां ठीक एक हफ्ते पहले रात 8 बजे एक लॉ स्टूडेंट को 12 लोगों ने गन पॉइंट में उठाया, जब वो यहीं पर अपने एक मित्र के साथ बैठी हुई थी, उसे जबरन उठाया गया और ठीक इस इलाके से पीछे कुछ भट्टियां हैं वहां उसे ले जाया गया। गैंगरेप उस बच्ची के साथ किया गया और इस पूरी घटना ने पूरी रांची को हिलाकर रख दिया था। इस बस स्टैंड में ठीक उसी वक्त जिस वक्त इस लॉ स्टूडेंट को उठाया गया, कमोबेश उसी वक्त मैं खड़ी रही। और आप सोचिए, इतना बड़ा मामला जिसको लेकर पूरे रांची में सड़कों पे लोग उतरे, सोशल मीडिया में एक अलग तरह का उबाल देखने को मिला, उस बस स्टैंड में करीब आधा घंटा खड़ा होने के बावजूद भी मैंने
एक बार भी पुलिस वैन को यहां से गुजरते नहीं देखा। पुलिस वैन तो आप छोड़िए, जिस बस स्टैंड में इतना बड़ा वाकया हो गया, इतनी बड़ी दरिंदगी हो गई एक बच्ची के साथ, वहां एक लाइट अब तक नहीं लगी है। इतनी सुनसान ये पूरा इलाका है, इतना सुनसान ये बस स्टैंड है कि यहां पर आप अकेले खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकते। मेरी हिम्मत थी क्योंकि मेरे साथ पूरी टीम थी। आप सोचिए सिस्टम की संवेदनहीनता कि ठीक है एक हफ्ते पहले इतना बड़ा कांड इस बस स्टैंड में हो गया, एक लाइट तक अब इस बस स्टैंड में नहीं लगी है। सुरक्षा या पीसीआर वैन की गश्ती तो आप छोड़ ही दीजिए। खैर, यहां पर क्योंकि लगातार ये हाईवे है और गाड़ियों का गुजरना जारी है और मुझे भी काफी देर यहां पर हो गई है खड़े हुए, लेकिन मेरी जोर आजमाइश आपको ये दिखाने की थी कि आप समझें कि एक ऐसा मामला जो पूरे के पूरे राज्य को हिलाकर रख देता है, उसके बावजूद भी यहां पर प्रशासन की ओर से इतनी व्यवस्था नहीं की गई कि कम से कम एक बल्ब यहां पर लगा दिया जाए। तो आप बाकी इलाकों के बारे में क्या सोचते हैं? और आप सोचिए, ये वो क्षेत्र है जिसे आप राज्य की राजधानी कहते हैं, रांची में यह सब कुछ है। चलिए रांची के कुछ और इलाकों का जायजा लें। रात 8:30 बजे, जगह संग्रामपुर। ये वही बस स्टैंड है जहां से एक हफ्ते पहले एक लॉ स्टूडेंट को इसी वक्त अगवा कर गैंगरेप किया गया। यहां इतना बड़ा कांड होने के बाद भी अब भी हर तरफ अंधेरा है। पुलिस की गश्त तो दूर एक बल्ब तक नहीं। संग्रामपुर से एबीपी न्यूज की टीम चर्च कॉम्प्लेक्स के लिए निकली, लेकिन इस दौरान रास्ते में संवाददाता को ना तो चालू स्थिति में स्ट्रीट लाइट्स मिली और ना ही पीसीआर वैन का गश्ती दल दिखा। तो संग्रामपुर के उस बस स्टैंड से हम काफी आगे आ चुके हैं और ये देखिए, मैं उस इलाके में हूँ जहाँ से कचहरी केवल 7 किलोमीटर है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, आप हैरान रह जाएंगे, 5-7 किलोमीटर मैं लगातार सफर कर रही थी। मैं हैरान हूँ कि झारखंड की राजधानी रांची, यहाँ सड़कों में स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी हैं। ये जो आप देखिए सड़क की जो स्ट्रीट लाइट है बंद पड़ी है, और ये जो तस्वीर है ये केवल यहाँ की नहीं है, पिछले 7-8 किलोमीटर से मैं लगातार ये देखती आ रही हूँ। मैं उम्मीद कर रही थी कि शायद कहीं तो मुझे स्ट्रीट लाइट जली हुई दिख जाए। ऐसा नहीं कि हाईवे का ये हाल है, अब जैसे जैसे शहर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, मेन एरिया में जा रहे हैं, कहीं आपको कहीं किस गलती से भी स्ट्रीट लाइट जलती हुई दिखाई नहीं देगी। अगर थोड़ी बहुत लाइट्स दिखेंगी तो वो चलती गाड़ियों से होंगी। तो आप स्थिति समझिए, ये वो शहर है जहां अभी एक गैंगरेप हुआ है और गैंगरेप से पूरा शहर दहला हुआ है। हैदराबाद का एक मामला जो कि सोशल मीडिया में इस कदर लोगों को हिलाकर रख रहा है कि लोग सड़कों पर, रांची की सड़कों पर मैंने लोगों को बात करते हुए देखा है उस मामले में, लेकिन उसके बावजूद भी इस हद तक संवेदनहीन प्रशासन है कि यहाँ पर लाइट के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं की गई। अगर रात को मैं यहाँ पर खड़ी हो जाऊँ 15-20 मिनट, तो मेरे पास ये स्थिति हो जाएगी कि मेरे पास अपने मोबाइल फोन के अलावा रास्ता देखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये स्थिति आप समझ लीजिए झारखंड की राजधानी रांची की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रांची के और मेन रोड की तरफ जाते हैं और मेन राजधानी की तरफ आपको ले चलते हैं। सुनसान इलाकों से अब एबीपी न्यूज की संवाददाता चर्च कॉम्प्लेक्स में पहुंची। यहां चहलकदमी ज्यादा है, लेकिन यहां पर भी कुछ मनचले बिना किसी खौफ के एबीपी न्यूज संवाददाता पर फप्तियां कसते दिखे। यहां पर भी कुछ लोगों की गतिविधियां संदिग्ध लग रही थी। तो आपने देखा कि चर्च कॉम्प्लेक्स में काफी देर तक मैं खड़ी रही। रांची का ये चर्च कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा व्यस्त माना जाता है, आपने देखा भी होगा ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। और देखिए जो वक्त है, ये वक्त है 9:45 का, लेकिन इस 9:45 बजे काफ़ी ट्रैफिक था, लेकिन यकीन मानिए ऐसी कोई स्कूटी, ऐसी कोई बाइक मेरे आगे से नहीं गुजरी जो इस तरह से पप्तियाँ कसते हुए नहीं जा रही थी, शोर मचाते हुए नहीं जा रही थी, ज़बरदस्ती जैसे मेरे कान में कुछ ऐसा कहना चाहते हों जो मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। और वो बातें ऐसी थी जो कि जाहिर तौर पर मैं स्क्रीन पर आपको बता नहीं सकती। मैं वहीं पर खड़ी थी, पीछे एक सफ़ेद गाड़ी थी, गाड़ी का ड्राइवर मुझे देखकर उसने शीशा नीचे किया, वो मुझसे बात करना चाहता था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि इलाका काफ़ी व्यस्तम था, आसपास दूसरे लोग भी थे। काफ़ी देर तक उसने वहाँ मुझे देखा, मुझे देखकर सिगरेट जलाई, बात करने की कोशिश की, लगातार वो मुस्कुराहट मुझे दे रहा था, लेकिन मैं वहाँ पर चुपचाप खड़ी रही ऐसे जैसे मैं किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रही हूँ, अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रही हूँ। उसके बाद उसने अपनी गाड़ी निकाली और वो काफ़ी आगे निकल गया, लेकिन थोड़े आगे जाने के बाद वो वहाँ रुक गया जैसे कि वो मेरा इंतज़ार कर रहा हो कि अगर मैं आती हूँ या उससे बात करना चाहती हूँ। और उसके बाद वो आगे निकल गया अपनी सिगरेट झाड़ते हुए। तो ये एक वो रुआब था, वो एक गुरूर था कि मेरे पास गाड़ी है, तुम चाहो तो मेरे साथ बैठ सकती हो, जबकि लड़की
ऐसे कोई इंडिकेशंस नहीं दे रही है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ बैठने का। मैं बिल्कुल वहाँ पर वैसे ही खड़ी थी जैसे कि मैं अपनी किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रही हूँ, और बार बार मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, लगातार अपने टीम से संपर्क में थी जो पास खड़ी गाड़ी में मुझे देख रही थी और मुझे कवर कर रही थी। तो इस चौक में जहाँ हज़ारों लोग मेरे आस पास थे, वहाँ भी एक डर, एक सिरहन महसूस हो रही थी जब आसपास खुद के साथ मैंने ऐसा होता हुआ देखा। खैर, आगे बढ़ती हूँ और कुछ और व्यस्तम इलाकों में जाने की कोशिश करती हूँ। रात भी लगातार बढ़ रही है, आगे कोशिश करते हैं कि कम से कम ऐसी तस्वीर और ना देखने को मिले रांची की सड़कों में। एबीपी न्यूज संवाददाता अपनी टीम के साथ रॉक गार्डन पहुंची। यहां कुमकुम के साथ जो हुआ वो किसी भी लड़की को डरा सकता है। रॉक गार्डन इलाके में भीड़ भाड़ रही थी और इस दौरान कार सवार एक शख्स ने संवाददाता से बदसलूकी करने की कोशिश की। क्या भाई साहब, क्या चाहिए? इतना ही नहीं, अगले पल जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक अकेली लड़की को देखकर मनचले से रहा नहीं गया और वो एबीपी न्यूज संवाददाता के करीब आने लगा। इस दौरान कुमकुम ने उसे दूर रहने की हिदायत दी और चेताया कि वो पुलिस को बुला लेंगी, लेकिन वो शख्स मानने को तैयार नहीं था। सड़क पर अकेली लड़की को देखकर बदसलूकी करने पहुंचा ये शख्स एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे से अनजान था, और उसकी बदसलूकी के वाकये को बयां करती ये तस्वीरें जरा आप भी देखिए। क्या भाई साहब, क्या भाई साहब, क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? मैं जिसका भी वेट करूं आपको क्या मतलब, आपको क्या चाहिए? आप इतने पास मत आइए, दूर रह के बात कीजिए। क्या चाहिए भाई साहब? आप मुझे जहाँ जाना होगा मैं चली जाऊंगी, आप जाइए अपना काम कीजिए। सड़क पर घूमता ये मनचला जब यहाँ भी नहीं माना, एबीपी न्यूज संवाददाता ने पुलिस को बुलाने की धमकी दी, लेकिन इस बेखौफ शख्स को उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। पुलिस को बुलाऊं क्या? अभी बुला लूं, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, 100 नंबर का बुला लीजिए। नहीं डर है, बुला लीजिए। नहीं डर है, बोल दीजिए ना, नहीं डर है। आपको बुलाने का शौक है, बुला लीजिए। आप जा क्यों नहीं रहे हैं? हमें आपसे बात ही नहीं करनी है, आप जाइए, आप जाइए प्लीज। एबीपी न्यूज की संवाददाता के कई बार कहने पर ये मनचला वहां से चला गया, लेकिन एबीपी न्यूज की संवाददाता के साथ जो हुआ वो बेहद खौफनाक है। इस पूरे वाक्य को आप एबीपी न्यूज संवाददाता की जुबानी सुनिए। तो रांची के रॉक गार्डन में काफी देर में खड़ी रही, दो वाक्य मेरे साथ हुए वो आपने भी देखे। मैं यहाँ पर खड़ी थी तो एक गाड़ी लगातार हल्की स्पीड में मेरे आसपास चक्कर लगा रही थी, वो 2-3 चक्कर यूजर्न लेकर मेरे आसपास लगा चुकी थी। आखिरकार उसकी हिम्मत हुई और गाड़ी रोककर उसने मुझसे बहुत ही अजीब और बहुत ही भद्दे अंदाज में पूछा कहीं छोड़ दूं, लेकिन मेरा जवाब था भाई साहब क्या चाहिए, और ये जवाब सुनकर वो सीधे आगे बढ़ गया इतनी स्पीड से जो कि अभी तक उसने नहीं पकड़ी थी। लेकिन उसके बाद जो वाक्य हुआ वो तो भयानक डरावना था, यकीन मानिए। जहाँ पर मैं खड़ी थी उससे करीब 10 या 15 कदमों की दूरी पर मेरी टीम मेरे साथ थी, लेकिन फिर भी मुझे घबराहट हो गई क्योंकि अचानक से पैदल एक शख्स आया और बेहद मेरे करीब आ गया। उसको देखकर मैं अचानक पीछे हटी और मैंने उससे पूछा क्या चाहिए आपको भाई साहब? तो उसने मुझसे कहा आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं, क्या दिक्कत है?
हालांकि उसके पास बात करने के लिए कुछ नहीं था, वो केवल मुझसे बात करना, जबरदस्ती बात करना चाह रहा था। और उसकी आंखों को देखकर, उसके बात करने के अंदाज को देखकर, उसके चलने के अंदाज को देखकर साफ लग रहा था कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी हुई थी। उसके साथ वहां पर खड़े होकर मैं बिल्कुल भी सहज महसूस नहीं कर रही थी और मैंने उसे तुरंत वहां से जाने के लिए कहा। उसके बाद भी उसकी हिम्मत नहीं हुई तो मैंने उससे कहा कि मैं अभी पुलिस को फोन कर दूं, तो उसने कहा कर दीजिए, अगर आपको इतना ही शौक है पुलिस को फोन करने का। तो आप सोच लीजिए, ये उस शहर का हाल है जहां 12 तारीख को मतदान होना है, ये उस शहर का हाल है जहां एक हफ्ते पहले एक गैंगरेप हुआ है जिसकी गूंज पूरे राज्य में है, पूरे देश में है। वहां इस तरह की स्थिति है कि रात के 11 बजे लड़की अगर सड़क पर अकेली खड़ी है, उसे एक लड़का छेड़ने के लिए आता है और वो कहती है कि मैं पुलिस को फोन करूं, तो वो कहता है कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रांची में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और ऐसी स्थिति में महिला सुरक्षा का मुद्दा बेहद अहम बन जाता है। इस पड़ताल के दौरान एबीपी न्यूज संवाददाता ने जो महसूस किया उसके मुताबिक झारखंड की राजधानी रांची हमारी पड़ताल में फेल हो गई। कुछ ही दिनों पहले हुए बेहद दर्दनाक वाकये के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नहीं है।